लेकिन पेशेंस क्या है, एक ह्यूमन क्वालिटी है, धैर्य रखना चाहिए हमेशा। कभी भी जल्दी रिजल्ट नहीं आते, मुट्ठी पे कभी कुछ नहीं होता, कभी भी ना हथेली पे सरसों नहीं उगती। आपने सुना होगा हथेली पे सरसों नहीं उगती है कभी भी, समझ में आ रहा है? कभी भी जल्दी कुछ नहीं होता, एक सर्टेन पीरियड होता है किसी भी काम को करने का। बच्चा पैदा करना है 9 महीने लगेंगे, कोई फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं है कि 6 महीने में चाहिए। सर कुछ बताओ, कोई तरीका बताओ ना, आज तक नहीं है कोई, है ना? शुरू से ऐसे सतयुग से होता आ रहा है, 9 महीना गारंटी है, 9 महीना पेशेंस रख। लेकिन समझ में आ रहा है, कोई फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, सर्टेन पीरियड है। बीज डाल के आए, फसल आने में जितना समय लगता है उतना लगेगा। किसी के बाप में दम नहीं कि जल्दी करवा ले, नहीं 3 महीना आज 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 डाल के आया ना, कल चाहिए सर, कोई इंतजाम करो ना, हो ही नहीं सकता, पेशेंस रखना पड़ेगा। रखोगे? तो कितने साल का है ये बिजनेस? मैक्सिमम 5 साल। 5 साल डायमंड बनने के लिए कितने? 5 साल गुजारो आराम से। अरे सफर का एंजॉय करो, ये दोबारा सफर लौट के आने वाला नहीं है। मैं चाहूं आज के मैं पहले दिनों में दोबारा चला जाऊं, फिर दोबारा गरीबी आ जाए, फिर दोबारा वो सब चीजें हों, फिर मोटरसाइकिल चलाऊं, फिर वो सब चीज ना। अब तो सिर्फ यादों में है, आनंद आता है वो बातें सोच सोच के कि यार 20 रुपए की पेट्रोल नहीं होती थी डालने के लिए, और पैदल पैदल आना पड़ता था लोहा मंडी से बोध ला के। यार क्या वक्त था, यार क्या वक्त था। अब आएगा क्या कभी? ना, गया खत्म। इंजॉय करो हर कठिनाई को, एंजॉय करो। आपकी कहानी लिखी जा रही, कोई कठिनाई आ रही है आपकी जिंदगी में? अरे आएगी कहानी, और नहीं आ रही है तो काम नहीं कर रहे तुम लोग। कहानी लिखी जाएगी, कहानी कैसे, क्या बताओगे यहां खड़े होके? कुछ तो होगा, भगवान कुछ तो करेगा ना, कुछ तो तरीका अपनाएगा जिससे कि तुम यहां पर आके कुछ बोलो, और वो कहानी लिखी जा रही है आपकी, हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। और आज तक इतिहास गवाह है इस बात का, जिस भी आदमी के साथ हिस्ट्री लिखी जाती है ना, इतिहासकार को, जो इतिहासकार जिसके ऊपर अप्लाई हो रही है, उसको कभी नहीं पता होता कि हिस्ट्री बनेगी। होती है बस, अनजाने में होती है, और बाद में किताबों में लिखी जाती है, बाद में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है, बाद में लोग बड़ी तालियां बजाते हैं, लेकिन कभी भी लिखने वाले को पता नहीं कि मेरे ऊपर लिखी जा रही है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हिडन तरीके से लिखी जाती है। भगवान का मतलब क्या है ना, ये बात होती है कि उसके ऊपर लिखी जा रही है। समझ में आ रहा है? तो हिस्ट्री क्रिएट हो रही है आपकी तकलीफों में अभी अभी, लेकिन बताने का मौका है, बाद में बताना, लेकिन अभी इंजॉय करो उसका, कठिनाई का एंजॉय करो, मजे लो। पैसे नहीं है आपके पास, क्योंकि इतने पैसे आएंगे ना, ये वक्त भूल जाओगे आप, याद ही नहीं आएगा ये वक्त। समझ में आ रहा है? मजे लो हर चीज का, मजे लो, घबराओ मत, धैर्य रखो, बड़ा सा दिल रखो, परेशानी कभी नहीं आनी चाहिए। लॉ ऑफ एवरेज तो लगेगा, मेरे रूबियों पे लग रहा है, इतने सारे, कोई डायमंड नहीं, बहुत सारे डायमंड नहीं, याद आ गई, देख हंस गया वो, मेरे रूबियों पे लगा है लॉ ऑफ एवरेज है, ये भी जान गया कौन से रूबी पे लगा लॉ ऑफ एवरेज। रूबी बनने के बाद लग रहा है लॉ ऑफ एवरेज, डायमंड के बाद भी लगेगा लॉ ऑफ एवरेज। सब बिजनेस नहीं बनेंगे ना, हो ही नहीं सकता, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, ये कैसे झुटलाई जाएगी, ये झुटलाई नहीं जा सकती कभी। समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 के 10 डायमंड, 10 के 10 बिजनेस, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, बाप का राज आएगा किसी के का है? 10 के 10 डायमंड, 10 के 10 बिजनेस, अरे किसी के बाप का राज है? समझ मारा है? हर जगह प्रोस्पेक्टिंग पे नहीं लगता ये रेसो, रेसो दुनिया की हर चीज पे लगता है। ध्यान रखोगे इसको? घबराओगे तो नहीं आज के बाद? नहीं, पॉजिटिवली गुस्सा लाओ। तो पेशेंस रखो, गांधी जी ने 50 साल का पेशेंस रखा, शाहजहां ने 22 साल का पेशेंस रखा, एक हर औरत हर परिवार में 9-9 महीने का पेशेंस रखती है, रखती है ना? अरे तो हमको इस बिजनेस के लिए 5 साल का तो पेशेंस रखना चाहिए। रखोगे आज के बाद?